दोस्तों, अगर आप भी अपने छत में जो है टेरेस गार्डन में अगर नारियल का पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जो नारियल का पौधा है अपने घर में टेरेस गार्डन में ही कैसे नारियल का पौधा ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन सामानों की जरूरत पड़ने वाला है। देखिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या है, एक नारियल की जरूरत पड़ने वाली है इस तरीके से, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, और एक इस तरह से प्लास्टिक की या टब की, जो भी डब्बे में आप जिसमें इस तरह से जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए वाटर बस, और थोड़ा सा समय। इन सब चीज़ों के साथ जो है आप अपना घर में जो है आसानी से जो है नारियल का पौधा ग्रो कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो है घर में छत में और टेरिस में किस तरीके से जो है नारियल का पौधा ग्रो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से नारियल की जरूरत पड़ेगी, ये जो नारियल है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ये गीला नारियल है जो पूजा वगैरह के लिए यूज़ होता है। देखिए, आपके नारियल में, देखिए उसका पौधा ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़नी है, जो आपका नारियल है उसमें जो है पानी होना चाहिए। आप इस तरीके से जो है उसको हिला के देख सकते हैं, अगर उसमें पानी की आवाज़ की साउंड आ रही है तो आपके नारियल में पानी है। अब वाटर है, देखिए इसके बाद देखिए जो हमारा प्लांट ग्रो होगा वो है ये, आप ऊपर जो इसके 3 आईज देख रहे हैं, इसमें से जो है एक आईज में से जो है आपका प्लांट निकलता है। उसके बाद आपको देखना क्या है, देखिए इसकी जो ऊपर की जितने भी हेयर है, जितने भी इसके सारे बाल है, वो आपको हटा लेने हैं। हटा लेने के बाद आपको इस तरीके से इसको रखना है, और उसके बाद देखिए आपको जो जरूरत पड़ने वाली है, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए इसके ग्रो करने के लिए जो समय है, आप इसे साल में किसी भी समय ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा अवॉइड कीजिए इसको, सर्दियों में जो विंटर का मौसम है उस समय आप इसको ग्रो ना कीजिए। तो आप इसको जो है फरवरी से लेके मार्च में लेके आप इसको कीजिए, एनी टाइम जो है इसको ग्रो कीजिए, आपका जो प्लांट है आसानी से ग्रो हो जाएगा। और इसको ग्रो होने के लिए देखिए थोड़ा समय जरूर लगता है, मेरे ख्याल से इसका 1 महीने के आसपास जो है इसका समय लग जाता है। तो आज जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखिए ये है आपकी आज का जो दिन है, ये है आपका 24 मार्च 2023। तो इस समय जो है हम अपने नारियल के पौधे के जो है वीडियो कॉल करने जा रहे हैं। देखिए, उसके बाद जो आपको जरूरत पड़ेगी, कपड़ा इस तरीके से ले लीजिए, और कपड़ा लेने के बाद क्या करना है, आप अपने कपड़े को पहले इस तरीके से सारा गीला कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने कपड़े को गीले कर लीजिए, और देखिए, और इस पे आपके है अपने नारियल को इस तरीके से कवर कर दीजिए। आपको 3 जो आईज है वो ऊपर की तरफ रखनी है, और आप इसके इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से कवर कर दीजिए। देखिए, मैंने इसको कपड़े से कवर कर दिया, इस तरीके से आपको करना है। और देखिए, आपको उसके बाद जूट पड़ने वाली है, और कपड़ा नीचे थोड़ा इस तरीके से बाहर निकला होना चाहिए। इसके बाद देखिए, आप इस तरीके से जो है आप कोई भी डब्बा ले लीजिए प्लास्टिक का, या कोई भी बर्तन आप ले लीजिए जिसमें आपको जो नारियल है इसके ऊपर आसानी से रखा जा सके, और इसमें जो है आपको वाटर भर लेना है। और देखिए, इसका जो पानी है वो नहीं सूखना चाहिए। इस तरीके से हम क्या है, एक कपड़े में डुबोने, देखिए आप इस तरीके से इसके ऊपर रख दीजिए, आपका कपड़ा नीचे से पानी खींचता रहेगा और आपके जो नारियल है उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। इसके बाद जो है देखिए, आपका जो नारियल है वो अंकुरित हो जाएगा। बस आपको इसको जो है शेड, किसी शेडेड एरिया में रख दीजिए और वेट कीजिए। अब हम करेंगे वेट, जब इसकी जब ये अंकुरित होगा, जब इसकी प्लांट ग्रोथ लेने लगेगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे हमने जो है नारियल अगर ग्रो किया था पानी में, तो आपने जो, तो देखिए जो हमारे नारियल का पौधा है ये ग्रो हो चुका है। तो देखिए इस पे जो है इस तरह से देखेंगे जो है प्लांट वो बाहर निकला है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, अभी जो है अभी से ही इसको जो है मिट्टी में नहीं रखना है, मिट्टी में जो है इसको नहीं लगाना है। तो देखिए, हम कब लगाएंगे, देखिए जो हमारा है अगर इसको हम ओपन करके देखेंगे तो इसकी जो हमारी रूट्स है अभी वो कहीं पर डेवलप नहीं हुई है। देखिए, इसका कपड़ा भी सारा गल चुका है, इसमें जो है रूट्स अभी कहीं डेवलप नहीं हुई है। तो आप इसको जो अभी मिट्टी में भी नहीं लगाएंगे, तो देखिए इसकी जब रूट्स डेवलप हो जाएंगी अच्छे से, तब इसके जो हम यहाँ पे जो है मिट्टी में इसको शिफ्ट करेंगे। तो अभी जो हम इसको तो इसी तरह से जो है वापस से इस तरह से जैसे हमने लगाया था, इसमें पानी ऐड करते रहेंगे, पानी इसका चेंज करते रहेंगे, और इस तरीके से जो हम इसको आसानी से ग्रो कर पाएंगे। तो काफ़ी टाइम लग गया इसको इस तरह से ग्रो होने में। तो इस तरह से जो है आप नारियल का पौधा घर पर ही ग्रो कर सकते हैं। और चलिए, हम वेट करते हैं इसकी जो रूट्स डेवलप होगी, तब इसको हम पॉट में शिफ्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यहाँ पे अपडेट दूँ, तो देखिए जो हमने नारियल के पौधे इस तरह से जो नारियल से ही ग्रो किया था, देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम ये यहाँ पे इसको इस तरह से लगा हुआ हो गया है, और देख सकते हैं इसकी जो ग्रोथ है अभी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हो गई है। इसने जो अपनी लीव्स है वो यहाँ पे डेवलप करनी स्टार्ट कर दी है, और देखिए यहाँ पे जो इसका हमने जो यहाँ पे कपड़ा लगाया था, वो कपड़ा भी यहाँ पे जो है गल के इसका जो है ख़त्म हो चुका है। और देखिए, इसने अब क्या है कि अपनी जो रूट्स है यहाँ पे वो डेवलप यहाँ पे करनी स्टार्ट कर दी है।
तो इसको जो है हम अभी पोर्ट में अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसका कुछ और टाइम यहाँ पे वेट करेंगे जिसकी रूट्स है और अच्छे से यहाँ पे डेवलप होगी। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे कि अभी इसका जो कपड़ा खत्म हो गया है इस पे जो हम नए कपड़े से कवर करके जो है इसको हम वापस से ऐसे ही सेम पोजिशन में रख देंगे सेम जगह पे, और इसको जिस लोकेशन में रखा है उसी लोकेशन में हम रखेंगे, बार बार ट्रांसफर नहीं करेंगे इसकी। और यहाँ पे वेट करेंगे, देखिए इस तरह से हम सीड्स मैंने ये जो ग्रो किया है इसको ग्रोने में काफी टाइम लगा है। साथ साथ यहाँ पे जो है मैं नीचे आपको डेट वाइज भी जो है नीचे यहाँ पे शो करता रहूंगा कितना टाइम जो है कितना बाद इसमें जो है अपडेट यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। और देखिए इसका अभी और रूट्स अच्छे से डेवलप होगी तब इसको जो हम पोर्ट में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमने नारियल का पौधा जो हमने लगाया था सीड से, तो देखिए यहाँ पे जो है इसकी पत्ती काफ़ी अच्छी यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए इसकी जो रूट्स है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छी डेवलप यहाँ पे हो चुकी है। तो इस पॉट को देखिए, इसको जो प्लांट है हमारा जो नारियल का, इसको जो हम आज पॉट में लगाने वाले हैं ताकि इसकी जो रूट्स और जल्दी से यहाँ पे डेवलप होगी और जो हमारा प्लांट है और भी अच्छी चीज़ यहाँ पे ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसको यहाँ पे कुछ जो है न्यूट्रिशन यहाँ पे इसको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उसको लगाने के लिए यहाँ पे मैं कहूँ कि मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, इसमें मैं इसको शिफ्ट करूँगा। वैसे तो इस प्लांट को लगाने के लिए भी कहूँ कि एक बड़े पॉट की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारा पौधा अभी छोटा है तो इसको हम छोटे ही पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे बड़े बड़े कुछ होल यहाँ पे कर लिए हैं, और इसमें कुछ नीचे इस तरह से पत्थर यहाँ पे मैंने रख लिए हैं ताकि हमारी जो ड्रेनेज होल से मिट्टी बाहर निकल बाहर ना निकले और जो ओवर वाटरिंग है वो बाहर निकल जाए। तो इसके लिए जो मैंने देखिए मिट्टी रेडी की है यहाँ पे, देखिए तो मिट्टी में क्योंकि यहाँ पे जो 50% मैंने प्लेन गार्डन सॉइल ली है और 50% जो है मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सैंड मिलाया है जिसे बालू रेत कहते हैं, और इसके अंदर देखिए मैंने 10% जो है मैं क्योंकि एक मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट और एक मुट्ठी में जो है मैंने नीम की खली इसमें मिलाई है ताकि हमारे जो प्लांट है जो उसकी रूट्स है किसी को किसी प्रकार का जो फंगस वगैरह का नुकसान ना लगे। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जब आप वैसे तो इस प्लांट को इस तरह से ग्रो करेंगे तो मैं कहूँगा कि सीड्स को उसको थोड़ा और बड़ा होने दीजिए। और एक बात आपसे जरूर से कहूँगा कि देखिए इस तरह की वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर से जरूर से कीजिए ताकि इस तरह से मैं आपके लिए नए नए कंटेंट और नए नए वीडियोस आपके लिए यहाँ पे लेके आता रहूँ। और तो देखिए तो हमारी जो सॉइल है वो यहाँ पे रेडी है, तो इसको जो सॉइल है मैं यहाँ पे पॉट में फिल कर लूँगा। तो देखिए जो मैंने सॉइल थी यहाँ पे पॉट में हाफ फिल कर ली है, और फिल करने के बाद जो है अपना प्लांट यहाँ पे मैं कहूँगा जो सीड से हमने ग्रो किया है इसको मैं यहाँ पे जचा लूँगा। एक बात का और ध्यान रखिए, जब आप इस तरह से जो बीज है आप इसको लगाएंगे, देखिए अपना नारियल का पौधा जब लगाएंगे तो मैं कहूँगा जो रूट्स है जो उसका ऊपर जो सिरा है वो देखिए आप उसको मिट्टी से कवर यहाँ पे नहीं करना है, उसको थोड़ा आप ओपन यहाँ पे छोड़ दीजिए। अगर वो बिल्कुल ओपन कर देंगे तो आपका भी मैं कहूँगा जो प्लांट यहाँ पे ग्रो हुआ है वो आपका यहाँ पे गल के ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको इसमें रख लिया है और इसके चारों तरफ जो है मैं मिट्टी से फिल कर दूंगा। अभी आपको यहाँ मैं फिर लगा के भी दिखा दूंगा कि आपको कैसे इसमें लगाना है। तो देखिए मिट्टी मैंने यहाँ फिल कर दी है, और मिट्टी को मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेस यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए इसको जो है मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है, और इस तरह से देखिए आप इसके मैं कहूँगा नीचे का जो हिस्सा है थोड़ा आप इसको ओपन से छोड़ लीजिए ताकि जहाँ से हमारा प्लांट निकला है इस तरह से आपको यहाँ पे लगाना है। और लगाने में जो है इसमें आप वाटरिंग कर दीजिए, और देखिए कुछ समय के लिए जो है मैं इसको अभी इंडोर में ही रखूँगा ताकि इंडोर में रखने के बाद क्या है कि ये जो मेरा प्लांट है जब अच्छे से सर्वाइव हो जाएगा और ये अपनी पत्ती जो है तेज़ी से ग्रोथ कर लेगा फिर इसको जो हम यहाँ पे सनलाइट में रखेंगे। वैसे तो प्लांट जो मैं कहूँगा बहुत ही हार्डी रहता है, इस प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जब अभी प्लांट बेबी है छोटा है तो उसको यहाँ पे क्या होगा अच्छे ग्रोथ के लिए जो है इसको कुछ समय के लिए हम यहाँ पे सनलाइट में ही रखेंगे। तो देखिए मैंने इसमें कर दी है वाटरिंग, और देखिए वाटरिंग के बाद क्या है कि मैं कहूँगा इसका पानी आप ड्राई ना होने दीजिए क्योंकि प्लांट बहुत छोटा है, इसकी आपने सिर्फ मॉइस्चर लेवल यहाँ पे बना के रखना है और वाटरिंग भी नहीं करना है और अंडर वाटरिंग भी नहीं होने देना है। तो इसमें जो आप उसका मॉइस्चर लेवल यहाँ पे बना के रखना है वो मेंटेन करना है तो आपका जो प्लांट है अच्छे से यहाँ पे ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम इस तरह से शिफ्ट यहाँ पे कर चुके हैं, तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे इस तरह की जो मेहनत है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।